अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, स्टेट रैंक को लेकर के अपडेट है। और आज इस वीडियो में 29 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की जो भी बड़ी अपडेट है, सारी अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होने वाली है। तो लेकिन आपके जो डाउट्स हैं ना, वो एकदम क्लियर कर दिए जाएंगे। देख सकते हैं बच्चों के काफ़ी कमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं। और एक और अपडेट हमने आज सुबह आपको दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई 10 तारीख को होगी। ये वाली अपडेट पता क्यों आपको बताए थे कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो कैसे आपको तारीख पर तारीख, डेट पर डेट मिलती है ना, ये बात जानी है। जी हाँ, जो हमारा मामला डबल बेंच में जा रहा है, आपको क्या लग रहा है तुरंत ही स्टे हो जाएगा? जी हाँ, पहले केस लिस्ट होता है, सुनवाई होती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। थोड़ी सी बातें आपको जानना जरूरी है। हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, फिलहाल ये स्टेप 1 100% कम्प्लीट कर ली गई है। क्या डेट को एक बार और बढ़ाया जा सकता है? क्या दोबारा मौका मिल सकता है? देखिए, जब तक स्टेट रैंक आपकी जारी नहीं होती, ठीक है, तब तक एक उम्मीद है कि आपको एक और मौका मिल सकता है। लेकिन जिस टाइम स्टेट रैंक आपकी जारी कर दी जाएगी, उसके बाद आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। पे सीट अलॉटमेंट फीस, ठीक है, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट का रिजल्ट, हर एक अपडेट पर हमारी पूरी नज़र होगी, तो ध्यान रखिएगा। बाकी स्टेट रैंक को लेकर के अपडेट है, अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर होगी तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। चलिए पहले आप लोग के कमेंट्स को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। जी हाँ, काफ़ी बच्चे उम्मीद से एक कमेंट करते हैं और सोचते हैं कि उनका जो आंसर हो बिल्कुल सही मिले उनको, ठीक है। जो रिप्लाई अगर हम आपको कर रहे हैं तो वो सही और सटीक होना चाहिए। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। WhatsApp चैनल का हमने एक लिंक दे रखा है और आप लोग हमारे WhatsApp चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, नोटिस होगी, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगी। स्टेट रैंक कब आएगा? जो हमारा मामला 12th वर्सेज ग्रेजुएशन का चल रहा है, थोड़ा सा इसमें स्टे ऑर्डर मिलने दीजिए, तुरंत आपकी स्टेट रैंक जारी कर दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट है, सारा प्रोसेस, ठीक है, कैसे होता है आपको पता है, सारा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जी हाँ, विद इन सेकेंड आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। सर, काउंसलिंग कब तक होगी? तो काउंसलिंग को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट होगी वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, सब्र बनाए रखिए। बिना स्टेट रैंक के आपकी काउंसलिंग हो नहीं सकती, इसलिए वेट करना पड़ेगा। हेलो सर, काउंसलिंग डेट कब तक आएगा? प्लीज़ वेट, ठीक है। क्या बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए डायरेक्ट प्राइवेट में एडमिशन मिल सकता है? देखिए, ये वाला सवाल अब आप लोग पूछ रहे हैं, कितनी बार हमने वीडियोस बनाए, काफ़ी बच्चे इस वीडियो में कमेंट करते हैं हमारी कि सर आप क्यों रिपीट करते हैं वीडियो को। हमने एक बात एकदम क्लियर बताई थी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे आवेदन करते हैं, ठीक है। अगर आपने आवेदन ही नहीं किया तो डायरेक्ट एडमिशन के भी पात्र आप नहीं माने जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज के कॉलेज हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसकी फीस आसमान छूती है, ठीक है। डबल रेट, ट्रिपल रेट, कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है। SC कैटेगरी से 211 नंबर है, सहारनपुर में डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिए, 211 बहुत कम नंबर है, ठीक है, कैटेगरी कोई भी हो। यहाँ पर ST होती तो एक हम चांस बना सकते थे, लेकिन ST में थोड़ा मुश्किल होगा। स्टेट रैंक आई कि नहीं? अभी नहीं, लेकिन जल्द आएगी। रैंक लिस्ट आ गया क्या? इंतज़ार करिए, ठीक है। काउंसलिंग और रैंक, पहले देखिए रैंक लिस्ट आएगी, उसके जस्ट अगले दिन से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए आप अपडेट पर भी नज़र बनाए रखना जरूरी है ना। UP में DL, ठीक है, मेरिट पर होता है या एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता क्या? जी हाँ, यहाँ पर आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है, एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होता है। सर, 224 रैंक कितना रहेगा नियर अबाउट? तो आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिल सकता है, सेकंड राउंड, मतलब आपकी रैंक 20,000 से 80,000 के बीच में या 20,000 से 1,50,000 के बीच में रहेगी, ठीक है। सर, कह रहे हैं लोग कि 270 चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 230 प्लस है तो चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं? सर, मेरा 250, अरे आराम से मिलेगा आपको, 230-80 आराम से, ठीक है, मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। सर, सारे सब्जेक्ट हिंदी में होता है क्या? इसका आंसर है यस, सिर्फ आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश में रहेगा और संस्कृत का संस्कृत में,
बाकी सारे विषय आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर CBSE बोर्ड के भी DLED करते हैं। सर, हम लोग का अपडेट कब आएगा, कब तक कोर्ट का फैसला आएगा? देखिए, कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहाँ पर तारीख लगती है तो लेट होता है। सर, मेरा 202 नंबर PH कैटेगरी है। जी हाँ, चांस बनेगा। DLED और डाइट में क्या डिफरेंस है? आई थिंक आपका क्वेश्चन होगा DLED और डाइट में। DLED तो आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या इसको आप BTC भी कहते हैं। डाइट का मतलब होता है सरकारी कॉलेज, DIET, ठीक है। सर, रैंक कार्ड कब आएगा? बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलेगी, काउंसलिंग दिसंबर में होगा। जी हाँ, अब तो नवंबर का महीना लगभग समाप्ति की ओर है तो दिसंबर में ही होगा। सर, मेरा 234 है OBC, वाराणसी डाइट मिल जाएगा क्या? जी हाँ, चांस बन सकता है। हेलो सर, काउंसलिंग का डेट, इंतजार करिए थोड़ा। सर, एक वीडियो में रणनीति बनाइए कि किस तरह से CTET का हम लोग तैयारी करें कि पहले ही सीट, मतलब सीट के एग्जाम में हम लोग क्वालिफाई हो जाएं। DLED करते हुए प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए, और मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि वो लोग भी अपना राय इसमें दें। देखिए, अभी आप लोग CTET के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको अभी टेंशन लेना है तो DLED फर्स्ट सेमेस्टर का लीजिए, कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होंगे, 8 सब्जेक्ट का पेपर 3 दिन में होगा। पहले दिन 2 पेपर होगा, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3। आपकी लिखित परीक्षा 275 नंबर की होगी, 525 कॉलेज के हाथ में रहेगा, या 100 नंबर आपके मतलब टीचिंग के रहेंगे, 425 प्लस 100 कर सकते हैं। पहला सेमेस्टर हो जाए ना, देने के लिए आप एग्जाम एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब इधर पास होना शुरू हो जाएंगे तो फिर उधर CTET का एग्जाम देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हाई स्कूल में 82%, इंटरमीडिएट 77 और ग्रेजुएशन 71, ठीक है, परसेंटेज आपके बढ़िया है, ठीक है। तो फिलहाल इंतजार करिए। सर, मैं बिहार से हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हूँ, ठीक है। इनका कमेंट था, ये वाला कमेंट, एजेंट करा 80,000 का। तो देखिए, हमने बोला था डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इस कमेंट का आंसर हमने पहले भी किया था। तो डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर आपको माइनॉरिटी के कॉलेज मिल गए तब तो ठीक है, और कुछ ऐसे कॉलेज वाले आपका पैसा फंसा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत से कॉलेज को भी उम्मीद है कि एक बार डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, एक बार आवेदन की तारीख फिर से बढ़ जाए। अगर मान लीजिए आवेदन की तारीख नहीं बढ़ती है तब फिर आप मुसीबत में आ सकते हैं ना, दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट रैंक और काउंसलिंग को लेकर जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जी हाँ, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद है। DLED में करेक्शन होता है नहीं होता, ये मतलब एडमिशन होने के पहले, मतलब जो भी होता है रजिस्ट्रेशन, उससे पहले हमने आपको बता दिया था कि यह फॉर्म में संशोधन का किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ बच्चों ने तब भी गलती की है। और सवाल ये आपके मन में रोज उठता होगा कि क्या कुछ चमत्कार हो सकता है, तो ये हो सकता है। पता है क्यों? कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, समय है, तो PNP मौका दे सकती है। हर साल क्या रहता था कि मामला कोर्ट में थोड़ी नहीं जाता था, टाइम नहीं रहता था, जल्दी जल्दी प्रोसेस होता था, तो ठीक है, दे सकती है PNP मौका। डायट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 से ऊपर मानिए, EWS OBC 225, ST में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस, कुछ ऐसी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन ये आफ्टर काउंसलिंग देखने को आपको मिलता है, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।